एग्जामिनेशन क्वेश्चन है नवंबर 2019 व्हेन वॉल्यूम इज 4000 यूनिट्स एवरेज कॉस्ट इज 3.75 पर यूनिट व्हेन वॉल्यूम इज 5000 यूनिट्स एवरेज कॉस्ट इज 3.5 पर यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट भी दे दिया है 6000 यूनिट्स हमें क्या कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कौन सा मेथड याद आता है इसमें दो अलग लेवल्स दिए हैं हाई एंड लो पॉइंट मेथड से आएगा क्या हाई एंड लो पॉइंट मेथड से वुड यू बी एबल टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दो अलग लेवल्स है आएगा कि नहीं आएगा अभी वो जो दो अलग लेवल्स ऑफ आउटपुट है वो दो अलग टाइम फ्रेम्स के लिए ही होगा ना मतलब ये मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का सम है हेडिंग दो क्वेश्चन नंबर 39 लेवल ऑफ आउटपुट क्या क्या है 4000 एंड 5000 सो अगर मैं बोलू ये यूनिट्स में है पहले डेटा समराइज कर लेते थोड़ा 4000 एंड 5000 एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या है 3.75 और दूसरा 3.5 इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट अभी मुझे एक बात बोलो यहां पे पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लो क्या एवरेज कॉस्ट मतलब ये एवरेज टोटल कॉस्ट एम आई राइट देखते हैं कैसे आता है कॉस्ट निकाल लो तो क्या आएगा पहले लेवल पे 4000 मल्टीप्लाइड बाय 3.75 15000 और दूसरे लेवल पे 5000 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 17000 देखो ये दो डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट है कुछ बोला नहीं तो ऑब्वियसली दो अलग टाइम फ्रेम्स के लिए होगा इसके लिए होगा दो अलग टाइम फ्रेम्स के लिए चलो इसके बाद बाय यूजिंग हाई एंड लो पॉइंट मेथड व्हाट डू वी कैलकुलेट फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर्मूला क्या होता है उसका चेंज इन कॉस्ट या डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट या डिफरेंस इन आउटपुट करो 17500 माइनस 15000 ये हो जाएगा डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 5000 माइनस 4000 यूनिट्स क्या आता है आंसर 2.5 पर यूनिट तो बेसिकली वो जो एवरेज कॉस्ट है ना लेट्स से एट 4000 लेवल्स ऑफ आउटपुट 3.75 में वेरिएबल पोर्शन कितना है 2.5 ठीक है देखते हैं अभी फिक्स कॉस्ट कितना आएगा रे फिर 5000 एवरेज कॉस्ट मतलब कि एवरेज टोटल कॉस्ट तो वो एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया 2.5 तो बचा हुआ क्या होगा फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आएगा फिक्स कॉस्ट चलो यहां तक हो गया तो बोलना इसके बाद हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है क्या पूछा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गया इसके बाद क्या पूछा है एनीवे हम सेकेंड स्टेप में वही देखते हैं ना कि वो टोटल में से कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है सब लोग अभी यहां पे ध्यान दो इफ आई कंसीडर पहले 4000 यूनिट्स का लेवल एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट मतलब ही एवरेज टोटल कॉस्ट याद रखना इसमें दो चीजें आएगी क्या क्या फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया सो 2.5 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय
4,000 units. How much? 10,000. और 4,000 units पे 3.75 था ना ऊपर, so 3.75 multiplied by 4,000 units कितना आता है? ये तो हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था, तो 15,000 में से 10,000 क्या हो गया, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? आप दूसरा लेवल भी लेके देखो, 5,000 ही आएगा, करके देख लो। आप 5,000 यूनिट्स भी लेके अगर आप देखते हो, स्टिल आपका आंसर क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। क्या 5,000 के केस में 17,500 करके देखते ना, अगर 5,000 यूनिट्स है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, 12,500। और टोटल कॉस्ट हमने निकाला था ना, 17,500 में से 12,500 वेरिएबल पोर्शन है, तो फिक्स्ड पोर्शन कितना होगा? क्लियर है क्या? अभी मैं नहीं कर रहा हूं, सेकंड आपको करना है तो कर लो, गरज तो नहीं है। यही अगर आप 5,000 यूनिट्स के लिए करोगे तो ऊपर हमने निकाला है टोटल कॉस्ट 17,500 है, उसमें से वेरिएबल पोर्शन 2.5 पर यूनिट, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, 12,500। बैलेंसिंग फिगर वापस क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट 5,000। पूछा क्या है इसके बाद? देखो पहले दो पार्ट्स तो हो गए, हाउ वुड यू कैलकुलेट पीवी रेशो? बीईपी दिया है, क्या दिया है? बीईपी, उससे कुछ हो पाएगा क्या? क्या कॉन्ट्रीब्यूशन? ब्रेक इवन पॉइंट दिया है, कुछ तो उसका यूज करो, क्या यूज करोगे? सर बीबी है तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? आ जाएगा ना, बोलो आ जाएगा ना, राइट? चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं हमारा टोटल सेल्स का अगर चार्ट बनाओ, चलो करके तो देखते हैं क्या आता है। टोटल सेल्स का बनाओ कि बीपी का बनाओ? ठीक है चलो बीपी का, वेरिएबल कॉस्ट और एंड दिस कंट्रीब्यूशन इज यूजफुल फॉर रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट ओनली एट ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट क्या होता है? जीरो। फिक्स कॉस्ट क्या आया? तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा? हाँ, बट आगे क्या करेगा? कैसे? मुझे एक बात बोलो, बीपी ये 5,000 का कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट्स के थ्रू आ रहा है? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा ना, कितना आता है? वेरिएबल कॉस्ट भी है तो सेल्स आ जाएगा ऊपर, नहीं समझा? करो तो ट्राई, क्या आता है मुझे बोलो। ट्वेंटी 25% है क्या आंसर? यहाँ पे ध्यान दो, वो याद है क्या मैं आपको एक मेथड बोलता था, वो यूनिट्स ऑफ सेल, यूनिट्स ऑफ सेल और कंट्रीब्यूशन। सब लोग अभी यहाँ पे ध्यान दो, हमें नहीं पता एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, पता है क्या? नहीं। बट मुझे एक बात बोलो, ये 5,000 का जो कंट्रीब्यूशन है एट ब्रेक इवन पॉइंट, वो कितने यूनिट सेल करके हो रहा है? तो एक यूनिट के थ्रू कितना आ रहा है, मतलब उल्टा हो जाएगा यहां पे, 0.83। सो दिस वुड बी 0.83 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पता है हमें 2.5 पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 3.5
33 पर यूनिट. अभी आपको बताया ना वो रिकरिंग है, कैलकुलेटर लो, कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स करोगे पीवी रेशो आ जाएगा ना, करो तो 0.83333 पूरा एंड तक लो कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 3.3333 रिकरिंग पूरा आ रहा है क्या 0.25. देयरफोर पीवी रेशो 0.83 डिवाइडेड बाय 3.33 आ रहा है क्या 0.25, दैट इज 25%. अच्छा था, देख लो, किसी को नहीं समझ रहा है तो पूछो. आपको बताया ना कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने यूनिट सेल हो रहे, तो जो 5000 का कंट्रीब्यूशन है वो 6000 यूनिट सेल करके हो रहा है एट ब्रेक इवन पॉइंट. तो एक यूनिट के थ्रू कितना हो रहा है 0.83. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो था, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया ऊपर, बस उसके बाद पीवी रेशो आ गया. अच्छा था क्वेश्चन, देखो बट 5 ही मार्क है, बट उसमें कितने सारा उन्होंने लॉजिक टेस्ट किया आपका, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का किया, एवरेज कॉस्ट बोला था वहां पे, तो उसमें से फिक्स्ड होता है वेरिएबल होता है. सबको समझ रहा है? वरना आप क्या कर सकते थे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6000 कितना आता है, तो 20000 हो जाएगा क्या ऊपर, बीपी सेल्स हो जाएगा 20000, तो 5000 अपॉन 20000 25%. मैंने पर यूनिट अप्रोच रखा, आप टोटल अप्रोच भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6000, 15000 आ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो अगर आप रिवर्स में जाओगे तो बीपी सेल्स 20000 हो जाएगा, तो 5000 अपॉन 20000 25%, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो टोटल अप्रोच है. और इजी एक्चुअली, वो यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं, या ये भी यूज कर सकते हो. क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट है तो आएंगे सभी, अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के क्वेश्चंस आ गए तो आएंगे ना सॉल्व करते कि नहीं आएंगे. बड़ू आगे, हाँ नहीं बड़ू, तो पीवी रेशो 25% मैच हो रहा है, ग्रेट. ये हुआ है क्या हमारा पीजे लिमिटेड वाला क्वेश्चन 40 हुआ है क्या, कर लेते हैं फिर. पीजे लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स हॉकी स्टिक्स, इट सेल्स द प्रोडक्ट एट ₹500 ईच एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹125 ऑन ईच स्टिक. द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 5000 स्टिक्स एनुअली बाय यूजिंग 50% ऑफ इट्स मशीनरी कैपेसिटी. The cost of each stick is as under 150, basically सारा cost का data दे दिया है. और आने वाले समय में, आने वाले साल में क्या हो सकता है, तो fixed charges will go up by 10%, wages बढ़ जाएंगे, material बढ़ जाएगा, but selling price में कोई भी change करना नहीं है. अरे मुझे एक बात बोलो, अभी selling price में कोई भी change नहीं करना है, ऐसा बोल दिया है, but आगे देखो क्या बोला है. एक additional order आया है 2000 sticks बनाने के लिए, कितना 2000 स्टिक्स बनाने के लिए. हमें क्या कैलकुलेट करना है कि वो जो एडिशनल 2000 स्टिक्स है ना, उसके लिए सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो. पूछा क्या है, लोएस्ट प्राइस दैट कैन बी कोटेड, मतलब सेलिंग प्राइस ही हुआ, बट ऊपर बोला भी क्या है कि देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस. तो कैसे इसको हम अभी डील कर सकते हैं, मुझे एक बात बोलो, करंटली हम जो यूनिट सेल कर रहे हैं उससे हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है क्या? हाँ, पहला लाइन पढ़ो ना, वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹125. तो मुझे एक बात बोलो, ऑलरेडी हम जो यूनिट सेल कर रहे हैं
अगर उससे ही हम प्रॉफिटेबल है तो अगर फर्दर यूनिट्स अगर सेल करते हैं तो एमओएस हो जाएगा। yes. क्या हो जाएगा? एमओएस। करो ट्राई खुद से, क्या आता है मुझे बोलो, क्या आता है? यू ओनली लेट मी नो। कैसे कर सकते हो? लगाओ दिमाग लगाओ, देखते कितना आता है आपको। प्रॉफिट कितना कमाना है? सेम सेम प्रॉफिट बोला है। कैसे कर सकते हो? चलो चार्ट ड्रॉ कर लो, कुछ ना कुछ तो करो ट्राई। How would you calculate? वहां पे चेंज हो रहा है। देख फिक्स कॉस्ट के लिए क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट विल गो अप बाय 10%।
लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ. पहले करंट ईयर में टोटल कितना प्रॉफिट आ रहा है वो देखो ना, वो पर यूनिट है मेरे भाई. टोटल कितना आ रहा है? 6 लाख. वो आप ऐसा बोला है कि सेम प्रॉफिट पर यूनिट. वही तो सबसे मेन है, अगर वो नहीं समझा तो आगे कुछ नहीं है. करो करो ट्राई करो, लेट्स सी कितने लोगों को आता है. वही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ टोटली लेना है, पर यूनिट लेना है क्या वो भी देख सकते हो. सेम प्रॉफिट बोला है बस. तूने फिक्स कॉस्ट कितना कंसिडर किया जो एडिशनल रिकवर करना पड़ेगा? एडिशनल 2000 यूनिट्स का सेल होगा, बट अगर वो एडिशनल 2000 यूनिट्स का सेल करना है तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी आएगा. वो कितना आएगा? कर कर फिक्स कॉस्ट किसमें किसमें? वर्क्स ओवरहेड्स. करंटली फिक्स कॉस्ट आ रहा था तेरा 312,500 वर्क्स ओवरहेड्स का, वो कितने से बढ़ने वाला है? 10% मतलब 31,250. ऐसा ही अगर तू सेलिंग का करेगी तो 18,750 आएगा. इतना एडिशनल फिक्स कॉस्ट तेरे को रिकवर करना पड़ेगा आई गेस 50,000 का. कितना? 50,000 का फिक्स कॉस्ट एडिशनल तेरे को रिकवर करना पड़ेगा. वो एडिशनल 2000 यूनिट्स के थ्रू कितने का प्रॉफिट होगा? 2.5 लाख. पहले तेरे को करंट फिक्स कॉस्ट निकाल. करंट फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5000 लेना है. पहले 5000. 10,000 कैसे हो? मुझे एक बात बोल, हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, कॉस्टिंग में कैपेसिटी आता है क्या? अभी हुआ है रिसेंटली, बोल आता है कि नहीं, तू ही बोल. हाँ इतना हमने दिमाग फोड़ा है इसके ऊपर. करो करो ट्राई करो. क्या प्रॉफिट उतना ही आता है? हाँ पर यूनिट तो उतना ही है ना. क्या लगता है? चलो अभी यहां पे ध्यान दो, वो टाइम दिया. हम करंटली वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड एमओएस, एम आई राइट? तो चलो अगर मैं अगले साल की बात करूं तो टोटल सेल्स कितने का होगा? वो जो एग्जिस्टिंग 5000 यूनिट्स है वो कितने पे बिक रहे? वो 500 पे ही बिकेंगे. एम आई राइट? अगर नेक्स्ट ईयर का मैं एस्टिमेट देखूं तो अगले साल ये 5000 यूनिट्स तो 500 से ही बिकेंगे. हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये 2000 यूनिट्स क्या प्राइस से बिकेंगे? एम आई राइट? चलो ये इक्वेशन अगर सॉल्व करते हो तो क्या आता है टोटल सेल्स? फिर 25 लाख प्लस 2000x.
25 लाख प्लस 2000x। अभी अगले साल टोटल कितने यूनिट्स हो जाएंगे? ठीक है, एक काम करते, सबसे पहले मटेरियल है वो कितना हो जाएगा अगले साल? 157.5, एम आई राइट? अगले साल लेबर कितना हो जाएगा? कितना? 60। ओके, और क्या है? वर्क्स ओवरहेड्स कितना लू? और सेलिंग ओवरहेड्स कितना? 12.5। उसमें कोई चेंज नहीं होगा ना? चेंज सिर्फ मटेरियल और लेबर में हो रहा था। ओवरहेड्स का जो वेरिएबल पोर्शन है उसमें कोई चेंज बोला है क्या? नहीं। आगे कुछ है और नहीं? इतना ही था, सब कंसिडर कर लिया है क्या? ठीक है, तो अगले साल टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? सॉरी, और अगले साल हम टोटल यूनिट्स कितने बना रहे? सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 20 लाख। यही आ रहा है क्या सबका? 292.5 मल्टीप्लाइड बाय 7000 हो जाएगा ना, क्योंकि अगले साल बना रहे कितने हैं? 7000। फिक्स कॉस्ट, चलो फिक्स कॉस्ट में कैसे करोगे आप काम? वो वेरिएबल पोर्शन थोड़ी ना है, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर रही तू। ये तू जो मेथड बोल रही है वो वेरिएबल के लिए होता है। अभी मेन सवाल आएगा कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट क्या लू, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट क्या लू, बोलो क्या लू? पहले करंट फिक्स कॉस्ट निकालो और उसमें इंक्रीज करो। करंट फिक्स कॉस्ट निकालो और उसमें इंक्रीज करो, देखो आ रहा है क्या। मुझे आप बोलो पहले मैंने क्या लेना चाहिए। चलो कैसे होगा? मैंने यहां तक तो आपको बोल दिया है, आगे क्या करना है? फिक्स कॉस्ट कितना आएगा टोटल? अच्छा वो करंट बोल रहा है, उसमें इंक्रीज किया नहीं? 5,50,000 आना चाहिए, राइट? देखो कैसे, सबसे पहले वर्क्स ओवरहेड्स में 50% फिक्स्ड है, तो 62.5 पर यूनिट लो मल्टीप्लाइड बाय 5000, तो 3,12,500 आ रहा है। उसमें कितना ऐड करना है? 10% प्लस 10% करो, तो वर्क्स ओवरहेड्स हो जाएगा अगले साल का 343,750। और ऐसा ही करो सेलिंग ओवरहेड्स के लिए, क्या होगा? 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 5000 प्लस 10%, 2,06,250। कितना आता है फिर? 5,00,000। अभी सेम प्रॉफिट बोला है, सेम प्रॉफिट मतलब जो करंटली हम प्रॉफिट अर्न कर रहे थे ना, करंटली हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 125, 6,25,000। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? मुझे एक बात बोलो, अभी अगर तू वहां पे ऐसा अज्यूम करता है कि वो पर यूनिट सेम है, तो फिर वो 7000 मल्टीप्लाइड बाय 125 लेना चाहिए। बट यहां पे ऐसा बोला ही नहीं है, वहां पे सिर्फ बोला है कि अगले साल सेम प्रॉफिट होगा। पर यूनिट बोला है क्या?
उसका हम ऐसा assumption ले सकते हैं कि करंट ईयर में कितना प्रॉफिट आ रहा था तेरे को, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 125, 625000 उतना ही अगले साल कमाना है, तो ही वो सॉल्व होगा क्वेश्चन। कितना आएगा फिर ये 625000, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 11 लाख। अभी दो इक्वेशंस बनेंगे, कंट्रीब्यूशन की फिगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे एक बात बोलो, सेल्स कितना था, 25 लाख प्लस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था, 20 लाख इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आना चाहिए ना, जिसकी फिगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 11 लाख। बेसिकली ये इक्वेशन का आंसर क्या आना चाहिए, 11,75,000। करो तो अभी सॉल्व, आना तो चाहिए आई गेस, 25 लाख माइनस 20 लाख 47,500 माइनस 11,75,000 आ रहा है क्या, वही आंसर है क्या? अगर आप ये सॉल्व करते हो तो इट वुड बी 361.25 पर यूनिट। मेरे ख्याल से अल्टरनेटिव अजम्पशंस आ सकते हैं, बट तेरे को लिखना पड़ेगा क्या, अगर तू ऐसा अज्यूम करता है वो प्रॉफिट पर यूनिट सेम लेना है, तो यहाँ पे तो अभी ऐसा हो गया कि तेरे को टोटल प्रॉफिट सेम रखना है, जो करंट ईयर में वही अगले साल में भी, ऐसा इस हिसाब से तेरे को सॉल्व करना है क्वेश्चन, देख लो। चलो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, देर विल नॉट बी एनी चेंज इन द सेलिंग प्राइस, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं वो वही प्राइस पे बिकेंगे, एडिशनल के लिए सेलिंग प्राइस हमें कोट करना है, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो करंट ईयर को बेस पकड़ के जो भी अगले साल हम चेंजेस कर रहे थे वो मैंने कंसिडर कर लिए, मटेरियल में चेंज हो रहा था, लेबर में चेंज हो रहा था, वर्क ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स सेम था पर यूनिट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा अगले साल, 292.5। फिक्स कॉस्ट पहले करंट ईयर का निकाल लिया और उसमें मैंने सिंपली 10% ऐड किया, प्रॉफिट जो करंट ईयर में आ रहा था वही नेक्स्ट ईयर में टोटल कैरी फॉरवर्ड किया, ना कि पर यूनिट, उस हिसाब से इक्वेशन बन जाएगा और आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे फर्दर अजम्पशंस पॉसिबल है, नहीं ये तो इंस्टीट्यूट ने यही अप्रोच यूज किया, वही तो, बट ये लोग ऐसा चाह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट एडिशनल नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए, उस हिसाब से सेलिंग प्राइस बोलो, लिख लो बस मार्केट। हाँ फिर अगर मेरा लॉजिक मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से अप्लाई करूं तो प्रॉफिट में 125 ही लेता पर यूनिट, तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 2000 करता मैं, कितना करता 2000, तो 2.5 लाख एडिशनल प्रॉफिट हो जाता। हाँ, और करंट फिक्स कॉस्ट कितना है, तो एडिशनल 50,000 रिकवर करता मैं, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 50,000 आता, प्रॉफिट कितना दिखता 2.5 लाख, तो वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन 3 लाख, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, मुझे एक बात बोलो, मटेरियल चेंज हो रहा है बराबर है क्या, कितने से चेंज हो रहा है, ठीक है मुझे एक बात बोलो, वो एडिशनल जो 2000 यूनिट्स बनाने, कितने बनाने हैं 2000 यूनिट्स, उसका मेकिंग कॉस्ट 292.5 ही आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स रिमेन्स द सेम, तो 292.5 मल्टीप्लाइड बाय 2000 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 2000, बट फिर आंसर अलग आए, 442.5 आएगा, क्या आएगा 442.5 चेंज हो जाएगा। एक मिनट, क्या बोल रही है, नहीं ना मुझे एक बात बोलना, एडिशनल 2000 यूनिट्स बनाने को तो तेरे को 62.5 ही लगने वाला है ना, फिक्स कॉस्ट एडिशनल रिकवर करना है, मेकिंग कॉस्ट तो पूरा ही लगेगा ना 2000 यूनिट्स बनाने के लिए, नहीं, अभी आपने
वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं करनी है, वही लेनी, तो आपने चेंज की होगी। नहीं देख, अगर कुछ बोला नहीं होता तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, सेम। अभी यहाँ पे एक सवाल क्या आएगा कि अगले साल क्या, मतलब वो 5000 जो यूनिट्स तेरे को बनाने हैं ना, उसका भी एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट है। समझा क्या कि नहीं? फिलहाल तू जो 5000 यूनिट्स बना रही है, कितने बना रही है? 5000 यूनिट्स, वो क्या रुपये से बन रहे होंगे जो भी फिलहाल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा होगा। अगले साल ये जब 5000 यूनिट्स बनाएगी तो 292.5 ही उसको एप्लीकेबल होगा। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, 20,47,500 कैसे निकाला, वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ पे कैसे निकाला, 7000 यूनिट्स को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया ना तूने यहाँ पे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ना टोटल अप्रोच यूज किया है कि मतलब ये 5000 यूनिट्स तो 500 से बिकने ही वाले, एडिशनल 2000 यूनिट्स किससे बिकेंगे, तो एक्स, ठीक है। देन प्रॉफिट सेम है जो करंट ईयर में था। अभी प्रॉफिट के लिए उन्होंने लाइन क्या बोला था यहाँ पे, सेम प्रॉफिट जो उन्होंने करंट ईयर में, देख क्या बोला है, करंट ईयर में, तो वो टोटल प्रॉफिट दे आर मेंशन। अगर वो पर यूनिट बोलते तो वापस अपना आंसर चेंज हो जाता। तो करंट ईयर में टोटल प्रॉफिट था 6,25,000, वो मैंने अगले साल भी लिख लिया। फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाला है अगले साल, वो चेंजेस कंसिडर करके 5.5 लाख हो गए। इक्वेशन सॉल्व किया तो एडिशनल 2000 यूनिट किससे बिकने चाहिए, 361.25। अगर मैं सिर्फ इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करूं, कौन सा मतलब 5000 यूनिट्स को थोड़ा बाजू में रखूं, आप घर पे एक बार ट्राई करना, आएगा क्या उससे, वो गलत आता है, वो गलत आता है, ठीक है। मैं भी आपके लिए ट्राई करता हूँ। देखते हैं, देखते हैं। पहला 85,000 आता है ना रे, ये क्या आ गया ना। देखो कैसे, बट अभी तुमको थोड़ा सा शांति रखना पड़ेगा। टोटल सेल्स कब का है, अभी नेक्स्ट ईयर, अज्यूमिंग सेम प्रॉफिट कमाना है, वो सेम प्रॉफिट तो हमें 5000 यूनिट्स ने ऑलरेडी कमा के दे दिया है ना, फिर ये 2000 यूनिट से कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है क्या एडिशनल? नहीं। अभी यहां पे ध्यान दो सब लोग, अभी यहां पे ध्यान, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, तो ये जो एडिशनल 2000 यूनिट्स है वो कोई प्रॉफिट कमा के देने वाले है क्या? नहीं, दोनों नहीं है। यहां पे ध्यान, फिक्स कॉस्ट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितना रिकवर करना पड़ेगा अगर ये एडिशनल 2000 यूनिट्स सेल करने, तो 50,000, तो ये लिख लिया मैंने 50,000, तो ये कितना हो जाएगा, अभी एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2000 यूनिट्स, ये जो एडिशनल अभी 2000 यूनिट्स बनाने हैं वो क्या रुपए से बनेंगे, 292.5 किससे बनेंगे, कितना आएगा फिर 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5,85,000। मतलब देखो ये जो एडिशनल 2000 यूनिट्स बनाने हैं वो 5,85,000 से बनेंगे, बट ये जो एग्जिस्टिंग 5000 यूनिट्स है वो भी अगले साल बनने वाले, बट उसमें मटेरियल और लेबर बढ़ रहा है, एम आई राइट? तो 17.5 रुपए पर यूनिट बढ़ रहा है मेकिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्जिस्टिंग 5000 यूनिट्स नेक्स्ट ईयर। मतलब फिलहाल करंट ईयर में हम जो है 5000 यूनिट्स बना रहे हैं, वही अगर हम अगले साल बनाने जाते हैं ना, तो 17.5 रुपए मेकिंग कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रहा है। कैसे? मटेरियल और लेबर बढ़ रहा है, सेलिंग ओवरहेड्स और वर्क ओवरहेड्स तो सेम ही था, तो उसमें डिफरेंस आएगा क्या? तो ऑफ 5000 यूनिट्स ये क्या हो जाएगा,
ये 5000 यूनिट्स का 17.5 रुपए ज्यादा कितना आता है ये 87,000। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आने वाला है अगले साल एडिशनल? हाँ राइट। मुझे एक बात बोलो, सेल्स कितना होगा फिर? 752,500। तो बेसिकली टोटल सेल्स कितना होगा? 7 लाख। इतना एडिशनल अगले साल सेल होने वाला है, मतलब एडिशनल 2000 यूनिट्स के थ्रू इतने का टोटल सेल होना चाहिए। करो डिवाइडेड बाय 2000। बट ये बहुत हाई लेवल है, जिसको झेपा उसको झेपा। क्योंकि देखो ये एडिशनल 2000 यूनिट्स सेल करके टोटल एडिशनल सेल कितने का होना चाहिए? 7,22,500। तब जाके ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम रिकवर कर सकते हैं और एडिशनल फिक्स कॉस्ट। ये एडिशनल 2000 यूनिट से प्रॉफिट तो कमाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला सेम प्रॉफिट है तो अगले साल भी सेम ही होगा। ऑलरेडी वो जो करंट 6,25,000 का प्रॉफिट है वो एग्जिस्टिंग यूनिट्स तो कमा के दे ही रहे हैं, तो ये एडिशनल 2000 यूनिट से कुछ होने वाला है क्या? नहीं। ये उनके लिए जिनको मार्जिनल कॉस्टिंग पे बहुत अच्छा ग्रिप है, वरना बेस्ट अप्रोच। करो नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में मैंने सीधा टोटल अप्रोच से किया सर। करो लिख लो। अभी इंस्टीट्यूट ने ये वाला अप्रोच यूज किया है, मैंने वो आपको अलग से बोला है। क्योंकि देखो वो एग्जिस्टिंग 5000 यूनिट जो बन रहे थे वो अगले साल सेम मेकिंग कॉस्ट पर यूनिट पे बन रहे नहीं है, 17.5 रुपए बढ़ रहा है उसे। कितना रुपए बढ़ रहा है? 17.5। तो वो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा। और एडिशनल हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 2000। वो तो पूरा ही वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा ना फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल 2000 यूनिट्स। प्लस एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितना था? 50,000। एडिशनल प्रॉफिट कमाना है क्या वो 2000 यूनिट से? नहीं। बस उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। सेम ही प्रॉफिट कमाना है तो क्यों बेचना है उनको? खत्म हो जाता सब जल्दी। प्रॉफिट भी बढ़ रहा नहीं है, इतनी हमाली क्यों कर रहे? क्या पता है ना। हो गया यहां तक? इस हिसाब से मैंने ये सॉल्व किया और आंसर आ गया। या फिर ये इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच एक बार वापस बोल रहा हूं, एडिशनल 2000 यूनिट से एडिशनल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, जीरो। एडिशनल फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करना है 50,000। मतलब एडिशनल अगर 2000 यूनिट्स का सेल हो रहा है ना, उसने कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए? 50,000। एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, ये एडिशनल पूरे 2000 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे 292.5 से। और जो एग्जिस्टिंग 5000 यूनिट्स भी हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो अगले साल सेम मेकिंग कॉस्ट पर यूनिट से बन रहे हैं क्या? 17.5 रुपए बढ़ रहे हैं उसपे। तो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना है 6,72,500। उस हिसाब से मैंने रिवर्स में फिर टोटल इतना सेल करना पड़ेगा एडिशनल 2000 यूनिट्स के थ्रू, 7,22,500। एंड इफ यू सॉल्व एक्स तो आ जाएगा, कर लो 7,22,500 डिवाइडेड बाय 2000, देख लो आ रहा है क्या। बस एक यहाँ पे मेरे ख्याल से अजम्पशन हो सकता है कि अगर वो प्रॉफिट पर यूनिट, अगर आप पर यूनिट अप्रोच से जाते तो माइट भी आंसर चेंज हो जाए। तो फिर एडिशनल 2000 यूनिट्स के थ्रू एडिशनल प्रॉफिट भी आएगा। मतलब वो जो जीरो लिखा है ना मैंने प्रॉफिट, वहां पे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 125 हो जाए, ठीक है। बट अभी अगर प्लेन लैंग्वेज भी अगर हम रीड करते हैं उनका, तो दे आर ऑल्सो आस्किंग यू टू टेक टोटल प्रॉफिट एज कॉन्स्टेंट। उन्होंने पर यूनिट बोला नहीं है तो हम टोटल ही लेंगे। क्या लेंगे? टोटल। अच्छा था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आया होगा ना।
अभी एक सिंपल पांडु कंसेप्ट है। आओ यार, अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई और जेड। ये थोड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन है। कौन सा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। मतलब उसको आज ही डिसीजन लेना है इन तीनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा बनाओ। अगर वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा ना, दूसरा नहीं करेगा वो प्रोड्यूस। देखो उसके सामने तीन ऑप्शन है, एक तो वो एक्स प्रोडक्ट बना सकता है, या तो वाई या तो जेड। उसको डिसीजन क्या लेना है, इसमें से एक ही बनाना है। अगर वो एक्स को प्रेफर करता है तो वाई या जेड नहीं बना रहा है। अगर वो वाई बनाता है तो एक्स या जेड नहीं बना रहा है। अगर वो जेड बनाता है तो एक्स या वाई नहीं बना रहा है। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगा तो देखते हो। सेलिंग प्राइस दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, डिमांड एक्स प्रोडक्ट में, एक्स प्रोडक्ट कितना सेल हो सकता है 3000 यूनिट्स, बट हम मैक्सिमम उसको 2000 यूनिट्स ही बना सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना सेल करेंगे जितना कैपेसिटी है 2000 यूनिट्स। वाई प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, हम बना कितना सकते हैं, बट कितना बनाएंगे फिर, जितना डिमांड है 2000 ही लोग खरीदना चाहते हैं, 2000 ही बनाएंगे ना, फिर ज्यादा कहां से बनेंगे। देन जेड प्रोडक्ट 900 हम बना सकते हैं, 1000 का डिमांड है, 900 ही बनाएंगे ना फिर मैक्सिमम। उससे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, देखो पॉसिबल कंट्रीब्यूशन। फिर हम एक्स प्रोडक्ट 2000 बना सकते हैं जिससे 80,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा, वाई से 60,000 और जेड से 45,000 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा ना निकालते, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर तीनों का क्या कर लिया हमने, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया कि कितना पॉसिबल कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सब लोग यहां पे ध्यान दो, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। क्या बोला मैंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अभी मुझे एक बात बोलो, अगर मैं एक्स प्रोडक्ट बना रहा हूं, कौन सा बना रहा हूं, एक्स, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग एक्स, तो वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या हो रहा है, मतलब वाई और जेड में से किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं एक्स बना रहा हूं तो एक्स से मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 80 तो मिलेगा, 80,000। बट अभी डेफिनेशन पढ़ो, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, बाकी दोनों में से किसका अपॉर्चुनिटी सॉरी कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। तो अगर मैं एक्स बना रहा हूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगा, 60,000 वाई का, मतलब नेक्स्ट बेस्ट में कितना ज्यादा कमा सकता था, 60,000, वो मेरा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं वाई बना रहा हूं मतलब मुझे 60,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा होगा, तो नेक्स्ट बेस्ट में कितना कमा सकता था, 80,000 एक्स का, वो मेरा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं जेड प्रोडक्ट बना रहा हूं, कौन सा जेड, मतलब मुझे 45,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा होगा, अगला कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी गवा रहा हूं मैं 80,000 कमाने का। खत्म क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने वहां पे सॉल्व करके ही पेस्ट किया है पूरा, क्लियर है क्या, वो डेफिनेशन लिख लो वहां पे, नोट्स पे लिख लोगे तो बढ़िया है, या फिर कहीं पे तो नोटबुक में लिख लो। पहले क्या कर लो, तीनों प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन, और फिर वो डेफिनेशन अप्लाई करना है बस। अगर मैं एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो 80,000 रुपए मुझे मिल सकते हैं, तो नेक्स्ट बेस्ट कितना नहीं मिल सकता, 60,000। अगर मैं वाई बना रहा हूं तो 60,000 मिल सकता है, तो नेक्स्ट बेस्ट कितना नहीं मिल सकता, 80,000, 80,000 कमाने का मौका मैं गवा रहा हूं। अगर मैं जेड प्रोडक्ट बना रहा हूं तो 45,000 मिल रहा होगा, तो नेक्स्ट बेस्ट कितना मिल सकता था वापस, 80,000, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में तो मजा आ जाए, डालो 10 मार्क के लिए, इतना इजी तो नहीं डालेंगे, सब पास हो जाएंगे। तो 5 प्रोडक्ट डालो, आज क्या 10 डालो, वो भी खेलने को तैयार है 10 मार्क। सबको समझ रहा है क्या, चलो बढ़ो आगे, वो लिख लिया है ना डेफिनेशन, किसी को डाउट है उसमें पक्का। अभी फाइनली वो मर्ज प्लांट वाला रह गया था ना,
कौन सा है वो क्वेश्चन नंबर 37 तगड़ा क्वेश्चन एकदम जनवरी 2021 का 10 मार्क का क्वेश्चन है। मुझे एक बात बोलो, जब दो कंपनीज मर्ज होती है तो करंटली वो जो लेवल पे ऑपरेट कर रही होगी उस हिसाब से मर्ज होगी कि वो मैक्सिमम कितना बना सकती है उस हिसाब से? क्वेश्चन देखो, मेरे सामने दो फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री फिलहाल 60% पे ऑपरेट कर रही है, दूसरी 80% पे ऑपरेट कर रही है। अभी वो दोनों को मर्ज करके एक नया बनाने का है, तो वो 60 या 80% कंसिडर करके मर्ज करूंगा कि दोनों का 100-100%? फैक्ट्री अगर दोनों एक साथ हो जाएगी तो टोटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, फिलहाल वो जो कर रहे वो भूल जाओ ना, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो हम कंसिडर करेंगे ना। मर्ज करके नया एंटिटी बन रहा है ना अभी, तो फिलहाल वो इंडिविजुअली जो एंटिटीज कर रही है उसको हमें क्या करना है, इग्नोर। मैक्सिमम कितना सेल हो सकता है फ्रॉम फैक्ट्री ए एंड मैक्सिमम कितना सेल हो सकता है फ्रॉम फैक्ट्री बी, उन दोनों को ऐड करो, वो भी हमारा क्या हो जाएगा टोटल कैपेसिटी, वो भी हमारा क्या हो जाएगा टोटल कैपेसिटी। चलो अभी देखो, यहाँ पे टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ए एंड बी आर प्लानिंग टू मर्ज, द डिटेल्स आर एज फॉलोज। फिलहाल ए कंपनी 90% यूटिलाइज कर रही है और बी 60%। हमें पहले क्या करना है कि वो 100% पे कितना मैक्सिमम सेल कर सकती है, कितना मैक्सिमम वेरिएबल कॉस्ट आएगा, क्योंकि जब दो कंपनीज मर्ज होंगी तो दोनों उसके टोटल के हिसाब से मर्ज होंगी। कैसे मर्ज होंगी? टोटल कैपेसिटी। फिलहाल वो जो इंडिविजुअली करी वो जाने दो, वो मैक्सिमम कितना कर सकती है वो कंसिडर करे। क्लियर है? फिक्स कॉस्ट दे दिया है, सब कुछ ठीक है। हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द मर्ज्ड प्लांट एंड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट दैट स्टेज, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मर्ज प्लांट एट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सेल्स टर्नओवर ऑफ द मर्ज प्लांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60 लाख्स, व्हेन द मर्ज प्लांट इज वर्किंग एट अ कैपेसिटी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60 लाख्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन एन इंक्रीज ऑफ 5% इन फिक्स्ड ओवरहेड्स। उसमें दो सजेशन है आपके लिए, दिख रहा है क्या नीचे? एक ICAI का है, एक मेरा है, ठीक है। मैं आपको ICAI भी क्यों राइट है वो भी बोलूंगा, और मैं भी क्यों राइट हूं वो भी बोलूंगा, दोनों बोलूंगा, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी एक हिंट लिख सकते हो। चलो हेडिंग दो, क्वेश्चन नंबर 37, कैसे अब इसको टैकल करना है देखते हैं। स्टेटमेंट showing required calculations, particulars, company A, company B और total। मुझे एक बात बोलो, सबसे पहले अगर मुझे सेल्स कैलकुलेट करने, तो कंपनी ए फिलहाल कितना सेल कर रही है? 63 लाख का, बट 90% पे, तो 100% पे कितना कर सकती है? 63 लाख, ये अगर 90% पे है तो 100% पे कितना? 70 लाख हो रहा है क्या? दोनों मर्ज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल कैपेसिटी, इंडिविजुअल टोटल कैपेसिटी। ऐसा ही बी का क्या होगा? 48 लाख 60% पे है तो 100% पे, तो अगर ये दोनों प्लांट्स या दोनों कंपनीज मर्ज हो गई तो मैक्सिमम टोटल कितना सेल कर सकती है? 1 करोड़ 50 ना, 1 करोड़ 50 लाख का मैक्सिमम टोटल सेल कर सकती है। वेरिएबल कॉस्ट कितना मैक्सिमम लग सकता है फिर? अगर 39,60,000 ये 90% पे तो 100% पे 44 लाख, और कंपनी बी 22,50,000 अगर 60% पे है तो 100% पे 50 टोटल 81,50,000। इसीलिए हो क्या रहा है, अभी मुझे दोनों प्लांट्स को मर्ज करना है, मर्ज करूंगा तो दोनों का टोटल कैपेसिटी मर्ज होगा ना कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। तो हमेशा याद रखो, एक कंसेप्ट है आपके लिए, जब मर्जर होगा तो दोनों का इंडिविजुअल टोटल कैपेसिटी काउंट होगा,
क्लियर है क्या? तो उस हिसाब से कैलकुलेशंस कर रहा हूं, तो कंट्रीब्यूशन क्या आएगा अभी ना, यहां से मुझे सिर्फ टोटल कॉलम रेलेवेंट है, कितना आएगा कंट्रीब्यूशन? 26 लाख कैसे आएगा? कितना? 68 लाख. फिक्स कॉस्ट, मुझे एक बात बोलो, फिक्स कॉस्ट ये लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है क्या? अगर ऐसा होगा क्या कि 13,90% पे, तो 100% पे कितना फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता ना? करो, क्या आएगा फिर? दोनों को ऐड करो, कितना आता है? 28. तो मुझे एक बात बोलो, कंबाइंड प्रॉफिट कितना हो सकता है? 40 लाख. यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? तो कंबाइंड पीवी रेशो क्या हो जाएगा? ओवरऑल पीवी रेशो, ओवरऑल मतलब भी टोटल क्या हो सकता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 45.67. तो फिलहाल मैं लिखते वक्त क्या लिखूंगा? 45.67, बट कैलकुलेट करते वक्त सारे डेसिमल्स कंसिडर कर सकता हूं मैं कैलकुलेशंस के टाइम. यहां तक आ जाओ सबसे पहले. तो मैंने क्या किया कि ओवरऑल कितना कंट्रीब्यूशन रेशो हो सकता है अगर दोनों प्लांट्स मर्ज हो जाते हैं तो. ठीक है, मुझे एक बात बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे ही आ जाए, फिक्स कॉस्ट भी आपके पास टोटल 28 लाख अपॉन पीवी रेशो करके देखो, 28 लाख डिवाइडेड बाय 45.66666. कितना आता है? 61,31,387 डिवाइडेड बाय 1.5 करोड़. मैच हो गया पहला पार्ट तो. ठीक है, यहां तक हो गया तो बोलना. हो गया ये क्वेश्चन सारे मॉड्यूल्स में, सीए मॉड्यूल में है, सीएस मॉड्यूल में है, सीएमए में नहीं शायद, बट ये तीनों ऑलमोस्ट दोनों मॉड्यूल्स में तो देखा ही है, बट प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछा गया था सीएमए में. और अच्छा है, दिमाग लगाने लायक, कि जब दो कंपनीज मर्ज होंगी उनके टोटल पे ही मर्ज होगी ना, कि उनके फिलहाल जो करंट कैपेसिटी उस पर मर्ज होगी? नहीं, कि नया एंटिटी बन रहा है ना, तो इंडिविजुअली उसके पहले वो जो कर रहे थे वो मैटर करने वाला नहीं है. चलो क्लियर है यहां तक? अभी आगे पूछा क्या है, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द मर्ज प्लांट. मर्ज प्लांट मतलब वो टोटल कॉलम, मर्ज किस पे हुआ है? टोटल पे दोनों के. तो अभी कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आप ऊपर ब्रैकेट में लिख सकते हो मर्ज्ड. क्या होता है उसका चार्ट? वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, एंड दिस कंट्रीब्यूशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. ब्रेक इवन पॉइंट है तो प्रॉफिट आएगा क्या? फिक्स कॉस्ट 28 लाख ना, टोटल कॉलम रेलेवेंट हो जाएगा. तो बिजनेस जब मर्ज हो जाएगा, जब दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएगी एंड वो 28 लाख का कंट्रीब्यूशन करेगी, तब जाके नया जो मर्ज्ड कंपनी है वो ब्रेक इवन पोजीशन पे पहुंचेगा. पीवी रेशो क्या होगा? 45.67%. तो 100% पे कितना? भले कैलकुलेशंस आप सारे डेसिमल्स कंसिडर करके करो फिर. सो 28 लाख डिवाइडेड बाय 45.66666666 पूरा और परसेंट 61,31,387
ये हो जाएगा मर्ज प्लांट का ब्रेक इवन पॉइंट। और पूछा क्या है, पूछा ये नहीं है कि वो टोटल का कितना परसेंटेज होगा ना, ऐसा पूछा है टोटल सेल्स का, क्या पूछा है एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। टोटल 1.5 करोड़ का सेल हो सकता है, उसमें से अगर 61,31,387 का सेल होता है तो ब्रेक इवन पोजिशन पे आ जाएगी मर्ज्ड कंपनी। तो क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 40.88%। आ रहा है क्या? टोटल 1.5 करोड़ का सेल हो सकता है ना मर्ज प्लांट का, उसमें से अगर 61,31,387 का सेल होता है तो ब्रेक इवन पोजिशन पे आ जाएंगे। मतलब वो टोटल का कितना परसेंटेज हुआ, 40.88% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टोटल। आगे क्या पूछा है, अगर वो 80% पे ऑपरेट करते कौन मर्ज प्लांट, इफ दे आर प्लानिंग टू ऑपरेट एट 80%, तो क्या पूछा है प्रॉफिट क्या होगा, देखते क्या होगा। यहां तक हो गया है तो बोलो, हो गया है यहां तक, बढ़ो आगे। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए पूछा प्रॉफिट है, तो हम हमारा टोटल सेल्स का चार्ट बना लेते हैं। टोटल सेल्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। मुझे एक बात बोलो, टोटल सेल्स क्या बोला है, क्या लेना है, 80% ऑफ कैपेसिटी, मतलब 80% ऑफ टोटल। 80% ऑफ टोटल सेल कितना हो सकता है मर्ज प्लांट का, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का 80% ना, 1.5 करोड़ का 80% कितना आता है, 1 करोड़। पीवी रेशो तो हमें पता है, कुछ बोला नहीं है ना कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा, तो पीवी रेशो भी क्या रहेगा, सेम क्या आएगा। ये था आपका 45.67%, ये था आपका 100%। फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट कब कमाया जाएगा, ये 28 लाख रिकवर करने के बाद करो, 1.20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 45.66 रिकरिंग परसेंट, कितना आता है वो, 54,80,000 आ रहा है। अभी दे मस्ट हैव कंसिडर्ड ओनली 2 decimals, दे मस्ट हैव कंसिडर्ड ओनली 2 decimals। अगर उनका 400 रुपए ज्यादा आ रहा है ना, तो आई गेस उन्होंने 2 decimals से ही किया है। तो अगर हम 2 decimals से करते, करो तो 1.20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 45.67% 54,80,400। तो आप भी जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट भी 2 decimals के हिसाब से ही करना, या अगर आप फर्स्ट पार्ट में ही सारे decimals कंसिडर कर रहे हो तो बाकी सारे पार्ट्स में भी सारे decimals कंसिडर करो। फिलहाल इंस्टीट्यूट के हिंट के साथ मैच करने के लिए मैं 2 decimals ही ले रहा हूं। क्या आता है प्रॉफिट, फिर मैच हो रहा है क्या, 26,80,400। वेरिएबल कॉस्ट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर अगर चार्ट कंप्लीट करना है तो लिख लेते। 45.67 अगर कंट्रीब्यूशन रेशो है तो ये कितना हो जाएगा, 54.33।
दिस विल बी 65,19,600. क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझा क्या? कोई है जिसको नहीं समझा? बढ़ू आगे? बढ़ू क्या आगे? क्या पूछा है थर्ड पार्ट? कि कितने का सेल्स करना पड़ेगा मर्ज प्लांट का और अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 60 लाख. ये भी इजी है, करो. टोटल सेल्स के दो पार्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट मतलब भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन मतलब भी क्या होता है? टोटल कंट्रीब्यूशन. कितने का प्रॉफिट कमाना है? लिख दो ना प्रॉफिट के इधर. फिक्स कॉस्ट कितना है? तो बिजनेस ने कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए? कितना? 80. पीवी रेशो भी अवेलेबल है. क्या आता है? आ रहा है क्या? 1,92,00,000. अगर दो डेसिमल्स कंसिडर करता हूं तो. अगर आप सारे डेसिमल्स कंसिडर कर रहे हो तो अलग आएगा, फर्क आएगा थोड़ा. बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा बट आएगा. आपने एक स्टैंडर्ड रखो, अगर दो डेसिमल्स ही कंसिडर करना है ना तो सारे पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आप आंसर करोगे एज पर 2 डेसिमल्स. तो मैंने सॉल्व करते वक्त अभी यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट सारे डेसिमल्स कंसिडर करके निकाला था. आप घर पे जब वापस रिवाइज करोगे तब वहां पे भी कितने डेसिमल्स लेना? 2. कोई प्रॉब्लम नहीं. मुझे एक बात बोलो, यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? कितना? 68,000. 7 आएगा ना? 7 आएगा ना? मानते हो ना? नहीं. क्लियर है क्या? किसी को कोई भी डाउट है? अभी मजा आएगा लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसमें ही मेन ट्रिक है. क्या बोला है? कि व्हेन द मर्ज प्लांट इज वर्किंग एट अ कैपेसिटी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60 लाख, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन एन इंक्रीज ऑफ 5% इन फिक्स्ड ओवरहेड्स, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट. मतलब अगर फिक्स कॉस्ट को बढ़ाते हम कितने से? 5% से, तो सेलिंग प्राइस को कितने परसेंट से बढ़ाना चाहिए? बट फॉर अर्निंग सेम प्रॉफिट 60 लाख. आ गया. अभी ना इसमें दो अजम्पशंस है सॉल्व करने के लिए. एक तो आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट क्या लोगे? मेन तो वही है, वेरिएबल कॉस्ट क्या लोगे? क्योंकि तूने वहां पे क्या अज्यूम किया कि अगर सेल्स बढ़ाना है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा. वहां से सीधा तूने रिवर्स. बट प्रॉब्लम इज इंस्टीट्यूट ने अलग अज्यूम किया है. उन्होंने क्या अज्यूम किया है कि यूनिट्स उतने ही सेम सेल हो रहे, वॉल्यूम इज नॉट गेटिंग चेंज्ड. मतलब देख, ये जो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, यहां पे जितने यूनिट सेल हो रहे थे उतने ही यूनिट सेल होंगे.
अगर तू स्ट्रेट अवे प्लेन प्लेनली सॉल्व करता है तो 1.59% ही आ रहा है। कैसे? फिक्स कॉस्ट बढ़ा दो ना, 28 लाख कितना बढ़ाना है? 5% से बढ़ाना है, तो नया फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 29,40,000, प्रॉफिट 60 लाख ही लो, इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए, टीवी रेशो अवेलेबल है। तो जो भी नया सेल आएगा माइनस ये जो ओरिजिनल सेल है, अपॉन ओरिजिनल, तो आता है 1.59। ये भी राइट देना ही चाहिए क्योंकि यूनिट्स का डेटा दिया, बट इंस्टीट्यूट ने एक अजम्पशन यूज किया है कि यूनिट्स चेंज होने वाले, या रादर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन द सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन द सेम। हमने क्या अज्यूम किया कि वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा, और आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाना है जो नया सेल्स होगा, तो वो नया सेल्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगा। हमने ऐसे अजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इंस्टीट्यूट क्या कर रही है वो मैं आपको बता, अभी मैंने आपको हिंट दे दिया ना, अभी इंस्टीट्यूट का आंसर मैच करो, ट्राई करो। देखो सबसे पहले 1.59% कैसे आएगा वो मैं आपको बोल देता हूं। टोटल सेल्स सब लोग अभी यहां पे ध्यान दो, प्रॉफिट सेम कमाना है ना, 60 लाख। फिक्स कॉस्ट फिलहाल कितना है, उस पे कितना बढ़ाना है, कितना हो जाएगा 29 लाख। तो नया कंट्रीब्यूशन 89 लाख, और हमारे पास क्या अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट ने वो अजम्पशन की यूज किया है वो भी मैं आपको बोलता हूं। यहां पे ध्यान दो, जब सेलिंग प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है, पीवी रेशो भी चेंज होता है, मानते हो क्या? अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रपोज्ड सिचुएशन में चेंज होगा, तो जो करंटली पीवी रेशो आता होगा वो नए सिचुएशन में अलग आएगा ना, नहीं समझा? यहां पर ध्यान दो, अगर हमारी कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन है सपोज और प्रपोज्ड, सपोज 10 रुपए है, ये कितना है 6 रुपए, ये आता है 4, तो करंटली पीवी रेशो क्या आएगा 40%, कितना आएगा 40%, मानते हो? अभी अगर नए सिचुएशन में सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है पर यूनिट, सपोज ये वाला जो है 10% चेंज हो रहा है, नहीं यहाँ पे तो हमें निकालना है वो एक्चुअली, ठीक है चलो हम अज्यूम करते हैं 10% से बढ़ जाता है तो 11 हो जाएगा, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा? जरूरी है कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा? नो, वो सेम ही रहेगा। तो अगर ये सेम होता है तो ये 5 अपॉन 11 क्या होता है 45.45 हो जाएगा। तो दे हैव यूज्ड दिस अजम्पशन कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होगा, जरूरी नहीं है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज होगा, बट उसके वजह से पीवी रेशो तो चेंज हो जाएगा ना, तो जो करंट पीवी रेशो था नए सिचुएशन में आप वो पीवी रेशो यूज नहीं कर सकते। हमने यहां पे क्या किया, अंधाधुंध 45.67% जो पहले भी था वही लगा दिया, अपने आप आंसर आ जाएगा, डिफरेंस वुड बी 1.59%। बट हम यहां पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, क्या अज्यूम कर रहे हैं, वॉल्यूम। इंस्टीट्यूट क्या अज्यूम करती है, वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, और उसका मतलब ऐसा है क्या कि हमारे आंसर को रॉन्ग देंगे, टेक्निकली राइट देना ही चाहिए क्योंकि जितने भी आप रेफरेंस बुक्स भी देख लो सब जगह 1.59% ही आंसर आता, उन्होंने सीधा सीधा उनका तो जिक्र भी नहीं किया इंस्टीट्यूट का क्या आंसर आया। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ने कौन से मेथड से लाया होगा वो आंसर,
सो दे मस्ट हैव यूज्ड दिस अजम्पशन कि नए सिचुएशन में अगर कुछ बोला नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा, सेम। क्लियर है क्या? बट सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होगा तो पीवी रेशो भी चेंज होगा, तो यू कैन नॉट अप्लाई करंट पीवी रेशो टू द प्रपोज्ड सिचुएशन इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज गेटिंग चेंज्ड। तो क्या करना चाहिए अभी? इसका मतलब यहां पे ध्यान दो, ये हमारा ओरिजिनल सिचुएशन था, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें जितने यूनिट्स हम बना रहे थे और उसका जो भी वेरिएबल कॉस्ट आ रहा था वही अभी भी आएगा। इंस्टीट्यूट ने क्या अज्यूम किया है? वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, तो वॉल्यूम उतना ही है, तो जो थर्ड पार्ट में मेकिंग कॉस्ट था उतना ही आएगा ना फोर्थ पार्ट में भी। नहीं समझा? थर्ड पार्ट में हम जितने भी यूनिट सेल कर रहे थे उतने ही हम यूनिट सेल करेंगे फोर्थ पार्ट में भी, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया है। तो अगर मैं वैसा, तो मुझे एक बात बोलो, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था? ये 1,46,00,000 नहीं, क्या था? अच्छा 1,04,68,000। ये उतना ही रहेगा, ये चेंज होगा नहीं। तो मुझे एक बात बोलो, उस हिसाब से नया सेल कितने का करना पड़ेगा फिर? 89,40,000 प्लस 1,04,68,667 1,94,08,667 माइनस ये करो ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, आ रहा है क्या पॉइंट 7-6 आ रहा है क्या रफली? हाँ, अभी सजेस्टेड में लैंग्वेज उन्होंने थोड़ी बकवास यूज की है, बट देखो अगर तू नॉर्मली देखता है ना तो इंस्टीट्यूट का अजम्पशन राइट भी हो, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होने वाला है तो पीवी रेशो सेम होगा क्या? नहीं, पीवी रेशो सेम होने वाला नहीं है। और ये सारे चेंजेस हमें कंसिडर करने बोले हैं ओवर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट मतलब ये था ना, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि कितने यूनिट्स हम 1,00,000 यूनिट सेल हो रहे थे यहाँ पे, कितने? तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या आएगा? 192.68667 क्लियर है पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? 104.6867 अभी इंस्टीट्यूट क्या अज्यूम कर रही है कि जो फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें यूनिट्स कितने बिकने वाले हैं? 1,00,000 ही कितने बिकने वाले हैं? 1,00,000। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो अभी देख यहां पे अगर तू देखेगा तो 1,00,000 ही यूनिट्स हम सेल करेंगे, तो ये तो सेम ही आएगा ना फिर वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए मैंने ऊपर वो सीधा सीधा सेम लिख दिया था, यही किया ना फिर तूने इन शॉर्ट, तो ये सेम ही आएगा, सिर्फ चेंज क्या होगा तेरा? फिक्स कॉस्ट चेंज हो गया, टोटल सेल्स चेंज हो जाएगा, तो अभी ये नया टोटल सेल्स तेरे को करना पड़ेगा। तो ठीक है, यूनिट्स कितने अज्यूम किए थे हमने? 1,00,000 ही मल्टीप्लाइड बाय क्या? एक्स, इतना टोटल सेल होना चाहिए। कितना आता है सेलिंग प्राइस ये सिचुएशन में कर? 1,94,08,667 डिवाइडेड बाय 1,00,000। तो तेरे हिसाब से नया सेलिंग प्राइस आना चाहिए 194.08667 और पहले तूने क्या लिया था? 192.68667 डिवाइडेड बाय यही ओरिजिनल कर, आ रहा है क्या? 0.726। ये अजम्पशन उन्होंने फॉलो किया है। आपने थर्ड पार्ट तक कर लिया है क्या?
कितने पार्ट्स हो चुके हैं आपके? चारों लिख लिए, रुक जाओ, थर्ड पार्ट तक हो गया, उधर ही नीचे लिखो। लेट्स अज्यूम थर्ड पार्ट के नीचे ही लिखो पहले, लेट्स अज्यूम टोटल यूनिट्स ऑफ सेल इज 1 लाख, टोटल यूनिट्स ऑफ सेल इज 1 लाख। अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड इन द चार्ट अबव, इज कैलकुलेटेड इन द चार्ट अबव। क्लियर है? फिर वो चार्ट में लिख लो, जैसे मैंने सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या लिखा, 192.68667, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का भी आप लिख लो, 104.68667, और फिर आना फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। अभी हमें क्या बोला है कि कितने से सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज करना पड़ेगा, तो नया सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या आएगा, तो उसको मैंने क्या ले लिया फोर्थ पार्ट में, एक्स। क्या ले लिया? एक्स। यूनिट्स चेंज हो रहे हैं क्या? पहले भी 1 लाख यूनिट सेल कर रहे थे, अभी भी 1 लाख, तो मैंने क्या ले लिया वहां पे, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय एक्स। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम। क्लियर है क्या? मेकिंग कॉस्ट पर यूनिट तो उतना ही रहेगा, एम आई राइट? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी सेम ही आएगा। तो फोर्थ पार्ट में प्रॉफिट उतना ही है 60 लाख, फिक्स कॉस्ट से कोपअप करना है। फिक्स कॉस्ट हमने बढ़ा दिया था 29,40,000, तो ये पीवी रेशो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पीवी रेशो से इसको सॉल्व नहीं कर रहे इंस्टीट्यूट का मैच करने के। तो उस हिसाब से नया सेल कितने का करना पड़ेगा, 1,94,08,667, 1 लाख यूनिट सेल करके। मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा, 194.08667, ये नया सेलिंग प्राइस पर यूनिट होना चाहिए। तो अभी परसेंटेज चेंज निकालना है, क्या निकालना था, परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल। कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना है ना, न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल। न्यू क्या है आपका, 194.08667, ओरिजिनल क्या था, 192.68667 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 68667 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो रेट आ जाएगा, नियर बाय आ जाएगा 0.726%। इतने से सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें बढ़ाना पड़ेगा। देखो अगर इंस्टीट्यूट ना पूरा बुकिश फॉलो कर रही लैंग्वेज कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होता है तो पीवी रेशो सेम रह ही नहीं सकता, तो पीवी रेशो से करो ही मत सॉल्व। बट अगर इतना सोचने को टाइम है ही नहीं हमारे पास, हम क्या करेंगे, पीवी रेशो हमने क्या अज्यूम किया, पीवी रेशो सेम रहेगा। इंस्टीट्यूट ने क्या अज्यूम किया, पीवी रेशो सेम रहेगा, नहीं। अभी मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों ने ना 1.59% से किया था, उनको भी राइट दिया, और 0.726 से हार्डली किसी ने किया था, किसी को स्ट्राइक ही नहीं होगा। बट ये नॉर्मल थ्योरी है कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होता है तो पीवी रेशो सेम रहेगा क्या, नहीं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने थोड़ा लेवरेज दिया था बच्चों को, वहां इंस्टीट्यूट ने क्या अज्यूम किया, यूनिट्स सेम रहेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी क्या रहेगा, सेम। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो कंप्लीटली अपनी लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने बोला। क्लियर है? इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, फोर्थ पार्ट थोड़ा ब्रेनर था, ये लिखते हो तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, वरना ये भी लिखते हो तो इंस्टीट्यूट ने मार्क्स तो दे ही दिए थे। क्लियर है क्या? बट आई वुड सजेस्ट यू, इंस्टीट्यूट भगवान है, राइट? अगर लॉजिकली जाएंगे तो वो राइट सॉल्व कर, क्लियर है क्या? बट वो उतना स्ट्राइक होना चाहिए, थोड़ा क्रिटिकल था वो। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, पक्का।
ओके लिख लिया ये सबने, हो गया ये सब।